दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरू है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हों आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फ़िल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फ़िल्म है वो के दो इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलुगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव की इसकी आई रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकाप देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएसन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ही अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुडी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टीवी पर देख सकते हैं जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फ़िल्म हमें यूटूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है तो क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें एंड तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मि का मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है वो एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेज़र होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर गुरुन जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि क्रोनल पहुँचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय कृष्ण आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच और अजय को बताती है है कि उसे जो है अपने भाई की हत्या की, की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निम्बलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और भारतीय के साथ नागरिक के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वो आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी एक जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मजा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरू है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल इक्के इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकाप्स देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकट स्वरवा क्रिएसन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहां पर ही अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिलवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूटूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टीवी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूटूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूणल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कुष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जी आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय कुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निमुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुछ भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल उसे दो हज़ार बीस में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टरकास्ट देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुँचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जो आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय घुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निमुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुछ भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल उसे दो हज़ार बीस में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेक वर्ज़न आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टरकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें एंड तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है वह एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जो आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय घुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निवुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुछ भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्जाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरू है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सर उसे दो हज़ार बीस में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेक वर्ज़न आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टरकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर आय जी आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और राज्य कुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निवुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुछ भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीयों के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सर उसे दो हज़ार बीस में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेक वर्ज़न आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टरकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिलवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि तो दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जो आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और जी घुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निवुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और कुछ भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीयों के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सर उसे दो हज़ार बीस में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेक वर्ज़न आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी YouTube पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टीवी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जी आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय कुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निवुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ ही रद्द कर दी जाती है और कुछ न भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीयों के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सर उसे दो हज़ार बीस में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेक वर्ज़न आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी YouTube पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टीवी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है तो क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी के अपने प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जी आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय कुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निवुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ ही रद्द कर दी जाती है और कुछ न भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल उसे दो हज़ार बीस में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेक वर्ज़न आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिलवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी YouTube पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टीवी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी के अपने प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जो आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय घुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निमुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ ही रद्द कर दी जाती है और कुछ न भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरू है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सर उसे दो हज़ार बीस में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेक वर्ज़न आपको यूटूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी YouTube पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टीवी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि तो दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज, राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी के अपने प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जी आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय कुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निमुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ ही रद्द कर दी जाती है और कुछ न भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल उसे दो हज़ार बीस में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेक वर्ज़न आपको यूटूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी YouTube पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टीवी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी के अपने प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कुष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जो आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय घुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निमुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ ही रद्द कर दी जाती है और कुछ न भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल के बरों इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेक वर्ज़न आपको यूटूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी YouTube पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टीवी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि तो दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें एंड तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मि का मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है वह एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी के अपने प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कुष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जो आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय घुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निमुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ ही रद्द कर दी जाती है और कुछ न भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल इक्के बारो इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टरकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है खासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मि का मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पढ़ जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूणल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करूनल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर आय जो आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और राज्य कुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निमुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुछ भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वो आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल इक्के बरों इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टरकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी। हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है खासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मि का मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पढ़ जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूणल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करूनल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जो आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय कुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निमुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुछ भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वो आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल इक्के बरों इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टरकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी। हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है खासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मि का मंदना है विजया शांति प्रकाश राज, राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पढ़ जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी के अपने प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूणल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करूनल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जी आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय घुष्णा को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निम्ुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुणा भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वो आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरू है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल इक्के बरों इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलेगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है खासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ में अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मि का मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी के अपने प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूणल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करूनल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जो कृष्ण आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारती और अजय कुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निम्ुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुणा भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वो आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो लड़ने के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल इक्के बरों इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलुगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टरकाशन देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है खासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ में अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मि का मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी के अपने प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलड़ ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूणल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करूनल पहुँचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जी आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारती और अजय घुष्णा को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निम्ुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुणा भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो लड़ने के वरू है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सारे बरों इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलुगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टरकास्ट देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिलवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है खासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें एंड तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मि का मंदना है विजया शांति प्रकाश राज, राजेंद्र प्रसाद ऐसा बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी के अपने प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूणल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करूनल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जी आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय घुष्णा को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निम्ुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुणा भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो लड़ने के वरू है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सारे बरों इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलुगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है खासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मि का मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूणल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करूनल पहुँचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय कृष्ण आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारतीय और अजय कुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निम्ुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुणा भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो लड़ने के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फिल्म है वो सरल बरों इसे दो हज़ार बीस में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलुगु वर्ज़न आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकटेश्वरवा क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिलवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंडस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी हालांकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है खासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है एक, एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पर जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी के अपने प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूणल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करुणल पहुंचते हैं तो वे भारतीय के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जी आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारती और अजय घुष्णा को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निम्ुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और जो कुणा भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वह आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो लड़ने के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फ़िल्म है वो सरल इक्के बारो इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फिल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई एम डी बी रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकट क्रिएशन भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे है हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टीवी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंड का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी। हालाँकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है तो क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें एंड तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मि का मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है वह एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पढ़ जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करूनल पहुंचते हैं तो वे भारती के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय घुष्णा आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारती और अजय घुसण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निविलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और कुछ भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वो आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और आप कमाल की फिल्म जो सरल के वरु है इसे देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डीप में चर्चा करने वाले हैं साथ ही में आपको फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तो आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने सही जगह पर दोस्तों क्लिक कर दिया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो ये जो फ़िल्म है वो सरल इक्के बारो इसे 2020 में वैसे रिलीज़ कराया गया था और इसका तेलगु वर्जन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिलेगा वहीं अगर रेटिंग की बात आती है तो फ़िल्म की रेटिंग बहुत ही शानदार है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट एट की इसकी आई रेटिंग है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट देखने को मिलती है और इसे दोस्तों जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था ए के एंटरटेनमेंट ने इसके अलावा जो महेश बाबू भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और श्री वेंकट स्वरवा क्रिएसन भी इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और इसे एडिट किया था तमी राजू ने अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी के बारे में और कहाँ पर यह अवेलेबल है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रवि पुड़ी ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और साउथ में इन्होंने बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है यहाँ पर आपको म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एकदम लाजवाब इस मूवी को एकदम परफेक्ट जो बनाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़िल्म को हमें देखना है तो ये मिलेंगी कहाँ पर क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो दोस्तों वैसे तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो टीवी पर जाना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर आप इसे हिंदी में देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी आप इस फिल्म को टीवी पर देख सकते हैं जो गोल्ड माइंड का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये मूवी आपको मिल जाएंगी। हालाँकि ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि ये फिल्म हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर ये मूवी आपको यूट्यूब पर ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अभी तक हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है ख़ासकर जो गोल्ड मैन से इनकी मूवीज़ हमें अभी तक यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली है तो वैसे में ये मूवी जो है कब यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा बस आप सभी लोग दोस्तों हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साउथ की जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ताकि दोस्तों आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सभी जानकारी मिल जाए साथ ही में आप लोग जो है जो इस कमाल की मूवी को देख सकें तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें एंड तक बांधे रखेंगी फिल्म के अंदर महेश बाबू है इसके अलावा रश्मिका मंदना है विजया शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद ऐसे बहुत सारे, सारे किरदार देखने को मिलेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से मतलब जो भारतीय है वह एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती है और वह अपनी बड़ी बहू बेटी और एक दत्तक बेटे के साथ रहती है उसका बड़ा बेटा सेना में शहीद हुआ था जबकि उसका छोटा बेटा अभी भी, भी भारतीय सेना में कैप्टन होता है और वह अपने बेटे को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बुलाती है फिर दृश्य यहाँ पर अजय कुमार पढ़ जाते हैं यानी कि जो फिल्म का हीरो महेश बाबू है उसके ऊपर जो कि प्यारा एस एफ में मेजर होते हैं जहाँ भारतीय का बेटा जिसका नाम भी अजय होता है और वह भी यहाँ पर रेजिमेंट का सदस्य है बचाव अभियान में गोलीबारी के दौरान अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है फिर यहाँ पर जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्ण और उनके सहयोगी कैप्टन प्रसाद को शादी के बाद जो है अजय के परिवार को खतरे से बचाने के लिए भेजते हैं ताकि यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयारियों में कोई खलल ना पड़े अब ट्रेन से यहाँ पर करूनल जाते समय उनकी मुलाकात संस्कृति से होती है जो कि एक चिड़चिड़ी कॉमिक लड़की होती है अब अजय कृष्ण को और जो प्रसाद है जो कि करूनल पहुंचते हैं तो वे भारती के घर को खाली पाते हैं और आखिरकार उन पता चलता है कि उनका परिवार विधायक नागेंद्र से बसने के लिए छिप गए हैं जब वे नागेंद्र के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो यहाँ पर अजय जो आता है और उन आदमियों से लड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र से भी उसी तरह से निपटेगा और नागेंद्र का यहाँ पर मुख्य जो गुंडा होता है ये बताता है कि नागेंद्र जो है वो इस बीच भारती और अजय घुष्ण को बताती है कि उसे जो है अपने भाई के बेटे के की हत्या की योजना बनाने के लिए नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसे आत्महत्या के रूप में छुपाया गया है जब यहाँ पर नागेंद्र ने ना उस मामले को वापस लेने की धमकी दी तो वह अपनी बात हाँ पर अड़ी रही नतीजन यहाँ पर भारती को परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में कॉलेज से निमुलित कर दिया जाता है और वह उसके बेटे के साथ रद्द कर दी जाती है और कुछ भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सभी सबूत लाने के लिए बात जो है वो आत्मसमर्पण और जो करवा कर है इनकी जिम्मेदारी नागरिक में बदल देगा मतलब यहाँ पर जब वो गांव आता है तो फिर भारतीयों को फुल सपोर्ट करता है और भारतीय के ऊपर जो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उनसे कैसे निपटता है वही दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आगे जाकर एक नए मोड लेती है जिन्हें देखने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए आप इस मूवी को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा